तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फहद मुश्ताक ऑफिशियल। तो यार सीन्स कुछ ऐसे हैं, इसी के तो पैसे हैं। रियल टॉक सड़कों पर, और यार सारी गाना आया पहले तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि मैंने ऋषि भाई जैसे ब्लॉग बनाया उस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। मेरे लिए 1000 व्यूज और 10 सब्सक्राइबर्स बहुत बड़ी बात है। और यार थैंक यू सो मच जिन्होंने 10 सब्सक्राइबर्स आए। और उसमें एक और बात ये है कि उसमें चंद कमेंट्स ऐसे आए कि यार रोस्टिंग स्टार्ट कर दो, ये डकी भाई का नाम लेके व्यूज ले रहा है और डिफरेंट वेज में। और एक ने कहा कि क्या नाम है, तो एक नहीं तीन चार कमेंट्स आए। एक कमेंट ये जो आया ना डकी भाई का, ने भाई मुझे व्यूज चाहिए, जो कंपटीशन चल रहे हैं लोगों के साथ, बहुत कंपटीशन को मुझे कॉन्फिडेंस को काट के मैं यहाँ तक आ रहा हूँ ना, 1000 व्यूज आ रहे हैं ना, 1000 व्यूज होने वाले हैं, बस होने वाले हैं। यार जो भी अभी ये वीडियो देख रहा है तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो का भी, तो जाके मेहरबानी करना देख लेना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। और बात ये करना चाहता हूँ कि देखो यार कुछ ना कुछ व्यूज आ रहे हैं ना मुझे वीडियो में, ठीक है चलो। हाँ अगर इसमें मसला हो डगी भाई को, ठीक है मैं उसका फैन हूँ भाई, सीधी सी बात है, मैं उसकी तरह की वीडियोस बना रहा हूँ तो मींस उसकी मैं इज्जत करता हूँ। इरफान जुनेजा और डकी भाई मैंने दोनों का बोला है कि मैं इनकी बहुत दिल से इज्जत करता हूँ, तो सीधी सी बात है कि उनको अगर कोई मसला हो वो मुझे अगर कमेंट करते हैं या किसी वे में भी पता चल जाता है कि उनको अच्छा नहीं लग रहा मेरा ऐसे वीडियो बनाना, मैं खत्म कर दूंगा। दूसरी बात यह है कि आज का सीन ऐसा है कि मैं आज ये इरफान जुनेजा चाहे वीडियो बना रहा हूँ सिनेमेटिक शॉर्ट्स टाइप, मुझे पता है मैं उन जैसा नहीं हूँ भाई, मैं कहता हूँ उनका जो एक्सपीरियंस लेवल है वो बहुत हाई है, बट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ना। तो अभी सीन्स ऐसे हैं कि मैं जा रहा हूँ मोबाइल मार्केट, मोबाइल लेके मैंने फैमिली को देना है घर में, उनके लिए मोबाइल पता करना है, मोबाइल मार्केट चलते हैं। तो चलो यार ये देखो मेरे छोटे भाई के शौक थोड़े से बस्ती वाले हैं बट अच्छे नहीं लगे, और ये बच्चे क्रिकेट शिकेट खेल रहे हैं। चलो चलते हैं फिर मार्केट, चल के मैं आपको दिखाता हूँ। A few moments later मार्केट पहुँच चुका हूँ। तो इस पर आप ऑलरेडी जानते हैं मशहूर हस्ती खानपुर की, याद है भाई, ठीक है। आजकल टिकटॉक पे भी छाए हुए हैं, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, देखने से भी लाभ क्या है उसको नहीं पता। हाँ भाई कैसे हो? ठीक है। तुझे मैं इधर फेमस करता हूँ, तो टिकटॉक फेमस हो रहा है, तुझे मैं यूट्यूब फेमस करता हूँ, थोड़ा सा वहाँ से अच्छा ग्रो करेगा। हाँ दोबारा वापसी यार मोबाइल पता किया है, इसके पास भी नहीं पड़ा क्योंकि पूरी मार्केट में ही अवेलेबल नहीं है। होल सेल वाले हैं ना, जो होल सेल वाले हैं ना वो ये हमारे शॉप वाले हैं, तो उनके पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है। तो कल मैं फिर से आऊँगा, जा रहा मैं दूसरे घर, तो वहाँ से जाके उनको बताता हूँ। पहुँच चुका हूँ, तो आपको मैं भी अपने छोटे शरारती भांजे की हरकतें से मैं तारुफ करवाता हूँ। कैसे हो शाफी, कहाँ है? वो जाग रहा है, सो गया है, तो उसको मैंने उठाना है आज भाई। उठो उठ जाओ, किस हो उठो, आज शरारत नहीं करा अभी, आज मिला रहा है, हट जाओ हट जाओ, तुम हट जाओ, उठो उठ जाओ उठ जाओ, वीडियो में आना है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। नहीं भाई नींद अपनी ए सो नींद पे प्यारी, बेबी मेरा सोया हुआ है तो इसकी हरकतें मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो यार आपने देखा है मोबाइल नहीं मिला, तो मैं आया हूँ सिस्टर के घर, चाय शाय पी चुकी है, बड़ा मज़े से माहौल बन चुका है। तुम इधर आ गए बोलो ना, साथ आ गए बोलो, क्या बोला है, थोड़ा सा इधर आओ, पर ये भाग गया। तो सीन्स कुछ यही है कि बस मैं इस वीडियो का इसी के साथ करता हूँ दी एंड। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करके जाना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।